जी मैं अजीज अमन मेरापुर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट नौशहरपुर से आया हूँ या हैसराबाद में आया हूँ। मेरा मसला ये है कि बिलाल भुट्टो का ट्रेन मार्च था जो मेरापुर स्टेशन में पहुंचने से पहले मैंने एक स्टोरी की थी जो किराए के पे लोग लेके आए थे यहाँ कैंप में, जिनमें औरत भी थे मर्द भी थे। मैंने उस स्टोरी मैंने ब्रेक की। उसके बाद जब मैंने स्टोरी की तो उसके बाद मेरे खिलाफ SSP नौशहरपुर और मकामी ग्यारह मेरे जीना आराम कर दिया है। मेरे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, इसलिए मैं पनाह के लिए इस्लामाबाद पहुंचा हूं तो मेरा कोई अजारा किया जाए। मेरा कोई PTI से ताल्लुक नहीं है, मैं न्यूट्रल आदमी हूं, मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ साफ ही हूं। जब हम इदारे में काम करते हैं तो फिर पहले लिख देते हैं मैं साफ हूं, मेरा किसी सियासी जमात से वास्ता नहीं है, मगर बिला वजह SSP नौशहरपुर इशू के बाद मेरे जान के दुश्मन में मुख्तु एसोसिएशन के मार्फत और मुख्तु अपने वाटू के मार्फत मेरे को धमकिया दे रहे हैं। मेरे बच्चों की जान का जो हुआ वो जीना हराम कर दिया है, इसलिए हम यहाँ साफियों के पास अपना केस लेके आए कि हमारा कोई अजाला किया जाए। बिलावल भुट्टो एक मौजूद शख्सियत है, हम बिलावल भुट्टो को भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हम साफियों का ये काम होता है कि हम जो भी देखते हैं हमने अपनी तरफ से नहीं किया है। जिन लोगों ने हमें स्टोरी की थी उसने बताया था, वो आवाम के सामने हम लाए थे, इसमें हमारा कोई दूसरा कसूर नहीं था। स्टोरी मैंने ये दी थी कि ये बिलावल भुट्टो जब आया था मेरापुर ट्रेन मार्च के सिलसिले में 27 मार्च को मेरापुर रेलवे स्टेशन में, उस वक्त इलाके के एक MLA इब्रार अली शाह और इलाके के एक टाउन कमेटी हालानी, उन लोगों को एक मिठो जोगी गोट है वहां पे गए थे, वहां पे उनको 25,000 रूपये देकर आए थे। उन औरतों जो मजदूर औरतें थे और मर्द थे उनको बोल कर आए थे कि ये हम आपको 2,000 रूपये देंगे, मगर जहाँ जब वो कैंप पे पहुंचे तो सिर्फ उनको 2,000 की जगह 200 रूपये दिए, ये उन्होंने उसने एहतियात किया। उसके बाद ये मैंने स्टोरी कवरेज की, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। जब ये आर्मी मीडिया में पहुंचा तो ये मेरापुर में इन्होंने SP के मार्फत मेरा जीना हराम कर दिया, जिसमें मकामी SHO DSP शामिल है, मकामी जो जियाले हैं वो भी शामिल है। इन्होंने मेरे को मुख्तलिफ किस्म के धमकियां भी दी है, तो आपको ऐसा करेंगे, इसलिए मैं इस्लामाबाद साहबियों के सामने अपना केस पर हूँ तो इंसानी हकूक के बुनियाद पर मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मेरे बाल बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जैसे मैं अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकूँ।